अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? माशाल्लाह मेरी तो बहुत अच्छी सुबह हो गई है। मेरी चाय, एक्चुअली चाय रखी थी यहाँ, तो दूसरा कुछ निकालने गई तब तक मेरी चाय पूरी ऊपर गिर गई, तो चेंज किया मैंने फिर चाय को। और कहते हैं कि दूध और तेल गिरता है तो बहुत शुभ होता है, बहुत लाभ होता है, तो मैं तो हमेशा ही दूध और चाय, अगर कभी ऐसा गिर जाता है या तेल गिर जाता है तो मैं कभी नाराज नहीं होती हूँ, खुश होती हूँ कि अल्लाह बरकत देगा इसके अंदर। और चलिए, माशाल्लाह मेरे बच्चों का भी खाना निकल चुका है। जैसे आज के ब्लॉग में आप देखोगे, आज मैंने थोड़ा सा झलक दिखाई कि मेरी मॉर्निंग जब होती है बेड पे रहती हूँ तो किस तरीके से मेरे ये बच्चे करते हैं या जो भी मेरे साथ में ये रहते हैं, थोड़ी सी एक झलक दिखाई हूँ। इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में अगर आप देखते होगे तो आपको दिखेगा जरूर। और माशाल्लाह आज नारियल पानी नहीं निकाली हूँ, आज मैं निकाली हूँ आबे जमजम का पानी। थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों माइंड थोड़ा सा अपसेट या फिर कुछ पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। और चाय के साथ में खाऊंगी बिस्किट। एंड अभी तो फिलहाल लगा रही हूँ मैं तिलावत। और आप सबको भी पता है कि आज हमारे घर में लगने वाला है 11वां पारा, तो बस अल्लाह बरकत दे परवरदिगार। और बस जल्द से जल्द अब फिर से लक्ष्मी को फोन करूंगी, पता नहीं वो आज भी आने वाली है या नहीं। अगर आने वाली है तो मैं अपना काम में तैयारी, अगर नहीं तो थोड़ा घर का काम करके फिर तैयारी। तो इंशाल्लाह चलिए मैं लगा रही हूँ 11वां पारा। और अल्लाह पाक बस हमारे घर में कारोबार में बरकत दे और हमारे रिश्तों में अल्लाह पाक कितनी मोहब्बत दे, क्योंकि देखो रिश्ते मजबूत होते हैं घर से, जब हमें ये वाइब्स आती है तो हम हर चीज में एकदम मुकम्मल खड़े होते हैं और उस चीज को पार करते। तो इसीलिए मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी रिश्ते हो उस रिश्ते में मोहब्बत दे और बुरी नजरों से अल्लाह पाक उसको बचा के रखे, आमीन। चलिए मैं लगा रही हूँ 11वां पारा। من الشيطان الرجيم بسم الله